बेसिकली हम लूप प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो लूप है हमारा उसकी ऊपर। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग सर मुझे, जी हाँ रिकॉर्डिंग देता हूँ। ये जो लूप का जो कोड आंसर्स है जो आप यूज कर रहे हैं, ये बताया मैंने आपको, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये जो लूप के प्रोजेक्ट है, इसके जो क्वेश्चंस मैंने 4-5 दिए थे आपको, बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा जगहों पे यूज किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चंस को बराबर यूज किया जाता है टेस्ट में। टेस्ट मतलब कि जब आप इसको बहुत सारे जो इस कॉलेजेस के या बहुत सारे जो इंटरव्यूज के टेस्ट होते हैं, उसमें इस तरह का पिरामिड बनाने के बोलेगा। आप BCA, MCA, PGDCA, ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जावा का, सी का अगर टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए और बहुत सारे इंटरव्यू। और इससे कि और भी पता चलता है कि आपका जो लूप है वो अच्छा है या नहीं है, इससे पता चलता है। तो चलिए इसकी प्रोजेक्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने आपके साथ सॉल्व किए थे, राइट? इसमें पहला क्वेश्चन था कि हम इसमें क्लिक करते हैं, डिजाइन एक्टिवेट, because your security setting has been disabled, run the mic only for reopen, अच्छा reopen करने के लिए। कुछ किया होगा मैंने, सिक्योरिटी टर्म मैंने डाउनलोड किया है ना, कुछ सिक्योरिटी में प्रॉब्लम। अच्छा, हमने जो फाइल आपको भेजी थी उसी को व्हाट्सएप के जरिए जब फाइल जाती है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब सही है ना, सब डिजाइन मोड एक्टिवेटेड नहीं है। अब चलिए, तो वीवीए के लूप प्रोजेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हमने आपको कुछ माइक्रो बना के दिखाया था। तो क्या क्या बताया था? पहला था आपका कि हमने इस तरह का पिरामिड बनाया था, क्या? फिर हमने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने ये पिरामिड बनाना सिखाया, दोनों कम बन गया था। हाँ जी, तो ये दो, ये क्वेश्चन नंबर वन हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम टू के तरफ पढ़ते हैं। टू में मुझे इस तरह का उल्टा पिरामिड बना, ठीक है? चलिए हम आपको बताते हैं। इस तरह का पिरामिड स्टार से सेल्स के अंदर डाल के बनाना है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सब्जेक्ट, देता हूँ क्वेश्चन नंबर टू प्राइवेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फोर्थ आई इक्वल टू चले 1, 2, 5 और नेक्स्ट आई, इसके बाद फिर लिखेंगे हम 4 j इक्वल टू चले 1, 2, 5 ऑल्सो, फिर नेक्स्ट j 5 नहीं होगा यहाँ पर, j हो जाए, आई हो जाएगा। अब मुझे अगर यहाँ पे हम देते हैं कि सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार, लेकिन मुझे इसको स्टार को इन्वर्टर को में डालना है, मुझे इसको क्या करना है कि उल्टा चाहिए ना। उल्टा मतलब कि पहले 5 हो
यहाँ से पहले पांच डाले, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, और नीचे नीचे की तरफ। सही। इसमें हमने क्या कर दिया, सिक्स माइनस जे कर दिया, सिक्स माइनस जे कर दिया। अब देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू ऑलरेडी है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसको उल्टा करना था, ये ऊपर आना चाहिए था पहले पांच। तो कैसे होगा सर? एक्चुअली स्टेप करके कुछ आएगा ना, यहाँ फाइव फाइव टू वन ऐसा कर सकते हैं, स्टेप जीरो। देखिए एक बार करके, स्टेप वन वन से माइनस वन होगा शायद, माइनस वन। हाँ माइनस वन में तो वही है सर। अच्छा एक मिनट, वन टू फाइव करके फिर माइनस वन कर। हैंग हो गया है। लुक टेस्ट वन टू फाइव आई इक्वल टू वन टू फाइव और जे फाइव टू आई स्टेप बाय माइनस वन। यहाँ आप जो बोल रहे हैं चलिए उसी पे देखें। दोबारा से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखते हैं कि फोर आई कॉमा वन टू आई नेक्स्ट आई, यहाँ लिखेंगे फोर जे इक्वल टू चले वन टू आई और यहाँ पे नेक्स्ट जे, यहाँ पे सेल्स सेल्स इसमें हो जाएगा हमारा आई कॉमा जे डॉट वेल इक्वल टू स्टार। ठीक है, इसमें हमने क्या किया,
हमने इसमें सिक्स माइनस यहाँ पे हम कर देते हैं आई प्लस नहीं आई माइनस आई नहीं आया आया कुछ। हो जाएगा लेकिन हमने सिक्स करना चाहिए हमें यहाँ पे माइनस अच्छा। जीरो नहीं ना होता इसमें तो जो स्टेप वाला पार्ट था वो भी हो सकता था और बिना स्टेप के भी आपके हो सकते हैं क्या सकते लेकिन मुझे चाहे बिना शायद स्टेप का भी हो ये सकता। हाँ यहाँ पे चाहिए तो इसमें हम कर देते हैं फाइव प्लस जे समझ गए सर हाँ हमने क्या कर दिया फाइव फाइव प्लस प्लस जी सिक्स जी हाँ लेकिन लेकिन उल्टा आ रहा है फिर भी। नहीं अच्छा नहीं सही है अच्छा सही है सही सही है है। एक क्वेश्चन ये तो छोटी ये लिंक गलती से लिंक हो गया था यहाँ पे ये देखिए ये सेम है ना वैसे चीज नहीं। कोशिश नहीं बिल्कुल सेम है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू हमारे ये बिल्कुल सेम है नहीं उल्टा हो गया नहीं हाँ उल्टा उल्टा हो गया हो गया। हाँ उल्टा हो गया। हाँ इसमें उल्टा हो गया तो अच्छा इसे भी बनाना था क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यही था मतलब सोचिए क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री आपका था। हाँ सही है थ्री सही है। अगर वो टू टू पे में देख ले। इसी चीज को इसी को कॉपी कर देते हैं हम यहाँ पे हाँ और यहाँ हमें सिंपल सा सिक्स माइनस जे करना ठीक है अब देखिए तो अच्छा आप क्वेश्चन और नंबर आपका टू और थ्री और फोर फोर भी ऑल्सो हो फोर गए। हो गया सर हाँ सही है। क्लियर अच्छा तो स्टेप्स की जरूरत नहीं है। है हाँ क्लियर। हाँ स्टेप की जरूरत है हालांकि स्टेप के थ्रू किया जा सकता है चलिए नहीं स्टेप ये में सही है ना। ही सिंपली सिंपल। हाँ ओके। हाँ स्टेप में क्या होता है पहले स्टेप के बारे में जानिए क्या होता है जैसे कि इसमें स्टेप के बारे में और क्या क्या चीजें होती है एक बार हम बता देते हैं स्टेप लूप देखिए स्टेप का जो यूज होता है बेसिकली हम लोग स्टेप का यूज करते हैं रिवर्स करने के लिए या फिर एक एक छोड़ने के लिए समझ गए ना इसके लिए यूज करते हैं इसका अकल ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया अब हाँ सर समझ क्वेश्चन गए। क्वेश्चन हाँ नंबर जी। आपका ए वन वही रखा है तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव और दोनों माइक्रो के इकट्ठा रन कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाकी फाइव का दिखाओ। फाइव का दिखाओ जरा। ये फाइव जो है आपका ये है ना दोनों को बना के दोनों इकट्ठा करना था अच्छा। हाँ। ये और आने ए क्यू 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 टू क्यू होगा शायद। हाँ वो ए हाँ क्यू टू लेना। क्यू क्यू टू। टू ये दोनों इसको और वो ऊपर जो पहले वाला क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर टू दोनों खत्म कर दो ये गलती से उसको यहाँ कंबाइन पे करना। गलती से क्या हो गया है ए हो गया है आपका इस तरह का इन दोनों का कंबाइन कर दो सही। ठीक है सर अब हाँ ये जी। पिरामिड ऐसा अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर वन के लिए किया था ना दिख रहा है सर क्वेश्चन नंबर वन के लिए ये किया था क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा है ना क्यू टू अब बराबर। एक माइक्रो में वो भी रख दीजिए इसको दिख रहा है आपको इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए ठीक है तो हाँ आपका सही। दोनों दोनों आ क्वेश्चन जाएंगे। सॉल्व हो जाए ठीक है
नहीं सॉरी, हमें इसको ऊपर करना था, उल्टा कर दिया हमने, इसको रखना था, तो ये भी एक अच्छा आकृति बन गया। सेम हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो हाँ, रहा है? क्योंकि अच्छा हाँ, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये सिक्स है कि हमने यहाँ जो उल्टा करने वाला जो है इसको 6 माइनस किए हुए है ना, 6 की जगह पे हाँ मुझे यहाँ पे 12 माइनस करना चाहिए था। 12 करना पड़ेगा, बराबर हाँ, नीचे से रुक जाएगी। ठीक है ना सर, सही है, सही, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, सही है, लेकिन सही है ना? 11 कर ग्यारह, दीजिए, 12 हो हाँ गया ना, आप 11 11 कर11, दीजिए, हाँ जी, 11 कर देंगे फिर ये चला जाएगा। सही, सही, ठीक है। परफेक्ट। तो इसका तो बिना इस्तेमाल स्टेप का भी होता है। जी है, बिना स्टेप का भी। स्टेप जो होता है आपका वो बेसिकली यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, इसमें -1 जो होता है, अगर हम इसके लूप की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं कि फो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट देते हैं। अब लूप के स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने दे दिया कि 4i = अगर 1 2 5 कर देते हैं तो 1 से लेके 5 टाइम चलेगा, ठीक है। लेकिन मुझे 5 से 1 ले जाना है तो 5 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 करना होगा और लास्ट में लिखना होगा स्टेप -1। अब यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर जाइए और मैं यहाँ पे आई दे देता हूँ। अब इसको एक बार रन करते हैं, ये 5 आया, 4 3 2, अच्छा, ठीक है ना? मतलब कि पहले 5 चलाएगा, देखिए गिनती वही है लेकिन इसने क्या किया, गिनती उल्टा कर दिया, रिवर्स रिवर्स, रिवर्स हाँ कर हाँ दिया, गिनती बराबर, को उल्टा कर दिया। अब उल्टा इसी कर में दो। मान लीजिए कि हम यहाँ पे करते हैं 1 2 5 और यहाँ पे स्टेप 0 करते हैं। स्टेप क्या कर दिया हमने, 0 कर जीरो, दिया। अब क्या होगा देखिए, अब 1 से लेके गिनती चलो, नहीं, 1 से अभी यहाँ दो दिक्कत नहीं आ हो रहा। गया, 1 to 2 हो गया ना सर, स्टेप हाँ 0 कर दिया, हटेगा अब, ये अब रुकेगा ही नहीं सर, लूप में लूप में फंस फंस गया। गया, लूप में फंस गया। स्टेप 0 भी यूज होता है सर, एक मिनट, 1 2 5 करते हैं, फिर हाँ, सीरियल बोलो। बाहर तब क्या होगा, 1 हमेशा 1 ही आता है। अब ये जो हमें लूप में फंसने के बाद मैं हटा रहा हूँ, कैसे हटा रहा हूँ पता है सर, एस्केप नहीं करके। सर, अगर मतलब एस्केप, एस्केप, हाँ। माइक्रो चल रहा है आपको, ठीक है ना, हाँ जी, तो अगर बीच में आपको तो एस्केप से रोकना हटा। है तो आपको एस्केप प्रेस कर, एक दो बार नहीं कंटिन्यू प्रेस करते जाइए, कंटिन्यू अच्छा, कंटिन्यू जब प्रेस करते जाइएगा ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो स्टेप सर अगर कभी हम जीरो, लोग, हाँ जी, स्टेप अगर 0 करते हैं ये होता है, इसमें आता है स्टेप 2। अगर स्टेप 2 कर दे तब क्या होगा, एक बार दो दो देखो, स्किप दोस्त करेगा, देखते हैं। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे दो दो स्टेप नहीं आ रहा, यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, सिक्स स्टेप 2 6। 2 करने पे ये होता था आपका, क्या बोलते हैं, एक एक गैप करता था, एक लेगा दूसरा नहीं लेगा, एक लेगा फिर उससे दूसरा दूसरा लेगा, नहीं हाँ हाँ लेगा, हाँ स्किप करेगा बीच में, ये रन पे नहीं हो रहा। लेकिन लेकिन शायद शायद वो वो जो जो सिक्स माइनस वन सिक्स डालना डालना पड़ेगा तब पड़ेगा, करेगा अच्छा क्या नहीं साइज? नहीं नहीं -2 कर दिया हमने, मैं बस प्लस करना चाहिए था इसलिए हाँ, अभी प्लस, अभी हो जाएगा। हाँ, हाँ 1 3 थ्री, हाँ सही, 5 खत्म। तो अगर यहाँ पे हाँ स्टेप, यहाँ पे सिंपल से जानिए, स्टेप 1 हम करते हैं तो क्या होता है, स्टेप 1 करने पे आपका 1 2 3 जो कंटिन्यूस चलता है वो कंटिन्यूस हो जाता है, राइट।
स्टेप टू करते हैं तो एक एक माइनस करता है, ये जान गया। बराबर और जान स्टेप टू लिया करने पे क्या होता है, माइनस एक एक गैप करता है। माइनस। अगर स्टेप थ्री कर दे तो वही बात होगा, बराबर हाँ तीन तीन गैप करेगा। तीन तीन गैप करेगा। हाँ जी लेकिन अगर स्टेप, अगर हम इसी चीज को माइनस में जाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन जीरो में क्या होता है, कुछ नहीं। स्टेप वन माइनस में मतलब भी। हाँ सुनिए, आपने स्टेप प्लस वन किया तो क्या होगा, एक एक गैप एक करेगा। दो तीन चार। हाँ प्लस से एक टू ही गैप किया करेगा। तो दो दो गैप करेगा, तीन किया तो तीन तीन गैप करेगा, चार किया तो चार चार गैप करेगा। क्लियर है? हाँ इसी माइनस चीज करके को, दिखाई एक। इसी चीज को अगर माइनस में करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दस अच्छा फिर वन, चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो माइनस जब करते हैं तो रिवर्स अच्छा रिएक्शन उल्टा। का नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि रिवर्स में कुछ था ही नहीं। था ही नहीं बराबर। तो अगर मैंने अभी यहाँ पे माइनस। माइनस वन किया तो क्या होगा, टेन नाइन एट सेवन होगा, बराबर सही टेन हो सही। गया, नाइन एट सेवन, तो एक एक कंटिन्यूअस आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। बराबर बराबर हाँ देखते हैं। अब मैं इसी पे माइनस टू कर देता हूँ तब क्या हो जाता है, अब देखिए माइनस टू टू कुछ नहीं, स्टेप्स टेन हो गया, एट एट। सिक्स फोर टू खत्म। ओके अगर थ्री करेंगे तो थ्री फोर के ऊपर, बस जीरो करेंगे तो कुछ सिर्फ एक ही वन 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 एक ही बार चलता जाएगा, और कितना बार चलेगा उसकी नो लिमिटेशन, वो आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, समझ गया? हाँ समझ गया। हाँ तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से कल की क्लास में, जी हम अगले नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा डू लूप के बारे में, फोर ईच लूप, फोर वाइल दूलू लूप और डू लूप, इस सब के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक हाँ जी थैंक यू। थैंक यू सर। यू सर। थैंक यू। और सर वो डोनेशन के लिए बोला था उसको देख लीजिए। हाँ मैं व्हाट्सएप कर लेता हूँ। ओके सर। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक लड़की है उसके फादर एक्सपायर हो गए थे और उसने 12th में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, बट ग्रेजुएशन के लिए उसके पास फंड्स नहीं है, तो मैंने अपने तरफ से जो मदद करनी थी तो कर दी है, बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उसको मदद करें। इसकी जो UPI ID है पेमेंट का मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, प्लीज उसको देख लें और इस पे जितना जो कर सके आप उतना फंड्स दे दें, क्योंकि तो आज टीचर्स डे है, तो आप लोगों को एज ए टीचर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज हेल्प ज्योति फॉर द ग्रेजुएशन, टू द ग्रेजुएशन। और UPI ID है, जो बन पड़े कर लीजिए, प्लीज UPI ID का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। थैंक यू।